भाषण, अभी मैंने एक भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटिल का, आप देख लीजिए, वो खुद बोल रहा है बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहां जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाज जिंदा कौम में, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौम में 5 साल तक इंतजार नहीं करती, कि किसने कहा है? कि राम मनोहर लोहिया ने कहा। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र देश के लिए, लेकिन समझ लीजिए आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से, महाराष्ट्र से, लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो। मैंने किसी की आत्मा और भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है, मैंने सिर्फ सत्यता कही है कि आपका जमीर मर गया है, इसलिए आपके सिर्फ आप जिंदा लाश बन गए। सबके करीबी थे, दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है, एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज्यादा करीबी है। जहाँ हम लोग बैठे उस हमारे घर में 8 दिन में एक बार तो हम मिलते थे, चाय पीते थे, खाते थे, गपशप करते थे, सुख दुख बांटते थे, सभी करीबी है। एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी है। आपके पास 50 ML की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो अब गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? वहाँ तो महाप्रलय आया है, बाढ़ आया है, लाशें तैर रही है, 120 लोग वहाँ मर चुके हैं, आपके आसपास ही पूरा बाढ़ है, आप क्यों बैठे हो यहाँ? वहाँ आप आइए महाराष्ट्र में, 50 का आपके पास आंकड़ा है, तो आपको आने से किसने रोका है? आप या तुम्ही इकड़े आइए। आप एकीकडे तुम्ही म्हणता की एकनाथ शिंदे पासून सगळेच तुमच्या जवळचे, पण एकनाथ शिंदे सह 16 आमदारांनी आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबियांना तुमच्या वक्तव्याने धोका येतोय, आणखीन काही धोका झाला तर शरद पवार मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे जबाबदार राहतील, अशा प्रकारचं स्पष्टपणे त्यांनी तक्रार। फार हिमतीचे लोक आहेत ते, म्हणून तेवढी हिंमत दाखवून आधी सुरतला गेले, मग गुवाहाटीला गेले, सेंट्रल एजन्सीज त्यांना सुरक्षा देत आहेत, भीती कसली आहे? महाराष्ट्राचे पोलीस तुमचं संरक्षण करायला समर्थ आहे। बघा, लोकांचा रोष, लोकांचा संताप, याला तुम्ही रोखू शकत नाही कोणताही कायदा आणि कोणतेही पोलीस। त्याच्यामुळे तुम्हाला शेवटी भारतीय जनता पक्षाची गुलामी पत्करूनच सुरक्षा मिळवावी लागते, पण आमचं असं म्हणणं आहे याची गरज नाही, इतकं वणवण फिरायची गरज नाही महाराष्ट्रातल्या, हे राज्य आपलं आहे, ही माणसं आपली आहे, इथे सुद्धा हवा पाणी डोंगर नदी हॉटेल सगळं काय आहे, कोंबडी आहे, सगळं आहे, हा बकरा आहे, या इथे। दाऊद इब्राहिम का नाम एक बार फिर से सामने आया, एकनाथ शिंदे कहा है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ता बना सकते हैं जिनके दाऊद के साथ रिश्ते हैं? आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है? आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो RDF रखा, 40 जवानों की हत्या हुई, और आप RDF किसने रखा ये आपको पता नहीं है, ये सरकार को? ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ते रखते हैं? दाऊद की बात बाद में करें। सर जी, महाराष्ट्र हे पटणार नाही, आणि आपण जर लोकांमध्ये जात तेव्हा केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा आणि ED आणि CBI तुम्हाला मतं मिळवून देणार नाही, हे लक्षात घ्या, मतं जनता देते जी आज रस्त्यावर उतरली। हो, पण महाविकास आघाडीमध्ये राहण्यास तर इच्छुक नाही असं त्यांचं वारंवार म्हणणं आहे, तर त्या विचारावर सुद्धा पुन्हा भारतीय जनता पक्ष जर महबूबा मुफ्ती बरोबर राहू शकते, सरकार बनवू शकते,
तर महाविकास आघाडी तर या राज्यातल्या मातीतले पक्ष आहेत सगळे. उद्धवजी के साथ इस वक्त क्योंकि कहा जा रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ भी एकनाथ शिंदे का कैंप संपर्क साध रहा है. देखिए बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लोग संपर्क कर रहे हैं, सांसद करने दीजिए, करने दीजिए, हमसे भी संपर्क है, हमसे भी संपर्क होता है, हमसे भी बातचीत होती है कि आप क्यों इतना करते हो पार्टी के लिए, आपको क्या मिला. मतलब हमको सब कुछ मिला है, पार्टी ने हमको क्या नहीं दिया है. आप जो संजय राउत यहाँ बैठा है वो शिवसेना की देन है, बाला साहेब ठाकरे की देन है, आप सब लोग शिवसेना की देन है. हम लोग मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे. अभी वो भाषा है, हम मर जाएंगे हिंदुत्व के लिए. 40 साल में हिंदुत्व के लिए कौन मरा है उसको इतिहास. 52 गेले तरी हरकत नाही, पण जाणार नाही. पण कारवाई फक्त 16 जणांवरच करायची. काही कायदेशीर प्रक्रिया असतात, त्यानुसार या गोष्टी करायच्या असतात. त्याच्याविषयी माझ्याकडे माहिती नाही. आमचे कायदेशीर बाजू सांभाळणारे श्री अनिल देसाई, अनिल परब, अरविंद सावंत आहे. सर एक असं प्रश्न आहे की शिंदे गटासमोर मनसेचा देखील पर्याय आहे आणि एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरेंची पण चर्चा झाली असून ते एमआयएममध्ये सुद्धा जाऊ शकतात. त्याला कुठेतरी विलीन व्हावं लागेल. ते समाजवादी पार्टीत जाऊ शकतात, बरं, ते कम्युनिस्ट पार्टीत जाऊ शकतात. मला हे पर्याय तुम्ही सांगताय, हे माझ्या तोंडी घालू नका. पर्याय जर त्यांना आपल्या आमदारक्या वाचवायच्या असतील तर ते अशा पक्षात जाऊ शकतात. पण ज्या शिवसेनेनं त्यांना जन्म दिला, ज्या शिवसेनेनं त्यांचा पाळणा हलवला, ज्या शिवसेनेनं त्यांना सगळं काही दिलं आणि उभं केलं आयुष्यात, त्या शिवसेनेचा द्वेष करून ते अशा एखाद्या पक्षात जायचा विचार करत असतील तरी महाराष्ट्राची माती त्यांना माफ करणार. तुमचं नाव निघालंय माझ्याकडे की कोणत्या पक्षात ते जाऊ शकतील. आता एमआयएमचे तुम्ही बोलले, मनसे कधी जावं ना, त्याने कुठल्याही पक्षात जावं. मनसेला जर मुख्यमंत्री पद मिळणार असेल अशा पद्धतीनं तर ऐतिहासिक गोष्ट करू. कॅम्प में लोग हैं, सालों साल इन्होंने ही तो शिवसेना को मजबूती दी है, आज ये अलग हो गए हैं. नहीं, जो सड़क पर उतरे हैं, जो बड़े बड़े सभा आज हो रहे हैं हजारों की संख्या में, उसने पार्टी बढ़ी है. हम लोगों ने नहीं की पार्टी. बालासाहेब ठाकरे हमेशा कहते थे मैं क्या हूँ, ये सामने बैठे हजारों लाखों शिवसैनिक मेरे, उनकी वजह से पार्टी है और उनकी वजह से मैं शिवसेना प्रमुख हूँ, उनकी वजह से आप सब लोग नेता है, सांसद और विधायक. ठीक है, चलिए. अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए अब नांदेड़ में सागवान, इंजीस और नागपुरी सीमेंट के खूबसूरत डिजाइन और कलरफुल मजबूत चौखटें अभी खरीदे गजानन हार्डवेयर मालेगांव रोड गीते पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़. हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म, केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मटर्निटी एंड नर्सिंग होम, चावलौला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मुंबई से मंजूर शुदा कोर्सेज, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन. दाखिलों में जल्दी कीजिए. ग्लोबल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, उबेद रेसिडेंसी, माल्टेगरी रोड, नांदेड़. हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है. प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.